यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है, साथ ही जोड़ तोड़ की राजनीति भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सबकी नजर रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया पर टिकी हुई है। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया का योगदान अगर सपा को मिल जाए तो सपा को इसका फायदा हो सकता है, वहीं बीजेपी को भी इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास दो विधायक हैं, इसमें एक खुद राजा भैया हैं जबकि दूसरे विनोद सोनकर हैं। अब इन दोनों विधायकों के वोटों को लेकर सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गणित पर नजर डालें तो सपा के दो उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। पेच तीसरे प्रत्याशी को लेकर फंस रहा है। कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा को एक वोट की दरकार थी, लेकिन बीच में ही पल्लवी पटेल की नाराजगी की वजह से मुसीबत बढ़ गई। ऐसे में सपा राजा भैया को सेट करने में जुटी हुई है। राजा भैया के पास दो वोट हैं और सपा को इतने की ही जरूरत है। अगर ये दोनों वोट सपा को मिल जाते हैं तो सपा का तीसरा प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाएगा, वरना मामला बीच में अटक जाएगा। बीजेपी भी 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। नरेश उत्तम ने फोन के जरिए अखिलेश यादव से राजा भैया की बात कराई थी। अब खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री JPS राठौर ने राजा भैया से मुलाकात की है, जिससे साफ होता है कि दोनों ही पार्टियां राजा भैया को अपनी ओर लाने की कवायद में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।